रोहतक में कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी पर निशाना साधा और बीजेपी को दलित विरोधी पार्टी बताया और कहा कि जहां जहां बीजेपी सरकार है वहां दलितों के साथ अत्याचार हुआ। बीजेपी वाले संविधान में विश्वास न रखने वाले लोग, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ऐसी समाज के अधिकारों की लड़ाई लड़ी। क्योंकि आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जितने भी प्रदेशों में इनकी सरकार आई, हर प्रदेश में ऐसी वर्ग पर, दलित वर्ग पर भारतीय जनता पार्टी ने प्रहार करने का काम किया, उनके अधिकारों को पे चोट मारने का काम किया। संविधान में विश्वास ना रखने वाले लोग हैं, बार बार बयान आते हैं मोहन भागवत जी के कि संविधान को बदलने की आवश्यकता है और एससी के लिए आरक्षण प्रणाली को समाप्त करने की आवश्यकता, इस तरह के बयान आते हैं उनके। तो ये उनकी जो नीति और रीति है, पीछे जो अपना ऐसी एक्ट था उसको भी इन्होंने छेड़छाड़ करने का प्रयत्न किया था, जब पूरा देश का ऐसी समाज रोष, जिनमें रोष था और सड़कों पे उतर आया था। आज मैं समझता हूँ कि दिवाली मिलन, हमारा जो ऐसी डिपार्टमेंट है, ऐसी सेल है रोहतक कांग्रेस का, उसका एक दिवाली मिलन है। तो इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे कि किस तरीके से ऐसी समाज के अधिकारों की हम लड़ाई लड़ें और इस भारतीय जनता पार्टी आरएसएस सरकार, जो सरकार ऐसी वर्ग को अपने अधिकार से वंचित रखना चाहती है, उस सरकार को हम मुंह तोड़ जवाब दें।